रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 10 को आज हम स्टार्ट करेंगे, जो है इनपुट एंड आउटपुट, कि सी लैंग्वेज में किस तरह इनपुट फंक्शन को यूज़ किया जाता है और किस तरह आउटपुट फंक्शन को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि इनपुट क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू कंप्यूटर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कोई भी डाटा कंप्यूटर को देते हैं, उससे हम इनपुट कहते हैं। अब स्टैंडर्ड इनपुट रेफर यूजिंग कीबोर्ड। अब हमने बात की कि जब हम प्रोग्राम के अंदर इनपुट देते हैं, तो उस इनपुट के लिए या उस आउटपुट के लिए हम हेडर फाइल में एक क्या यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। क्या हम एक हेडर फाइल देते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर, और वो हेडर फाइल क्या होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड इनपुट रेफर करती है यूज़ ऑफ कीबोर्ड, कि वो इनपुट जो कि कीबोर्ड को यूज़ करके कंप्यूटर सिस्टम को दी जाती है, उसे स्टैंडर्ड इनपुट का नाम दिया जाता है। सी लैंग्वेज मैनी फंक्शन प्रोवाइड करता है इनपुट के लिए। गेट सी एच ई, इसके ज़रिए भी हम इनपुट ले सकते हैं अपने प्रोग्राम में। स्कैन एफ के फंक्शन को यूज़ करके भी इनपुट ली जा सकती है प्रोग्राम में। गेट्स का फंक्शन भी यूज़ किया जा सकता है, और गेट सी एच का फंक्शन भी यूज़ किया जा सकता है प्रोग्राम में। अब आउटपुट क्या होती है, आउटपुट गेटिंग समथिंग फ्रॉम कंप्यूटर। किसी भी टाइप की जो आप इनपुट देते हैं, उस पर जो प्रोसेस होता है, उसका जो रिजल्ट आता है, जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो कंप्यूटर सिस्टम आपको डिस्प्ले करवाता है, उसे हम आउटपुट का नाम देते हैं। एक्चुअली जो रिजल्ट होता है प्रोग्राम का, कि वो प्रोग्राम जिसे एक प्रोग्रामर ने बनाया होता है, उस प्रोग्राम में वो मल्टीपल इनपुट्स देता है इनपुट फंक्शंस को यूज़ करके, उस इनपुट के वो क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट शो होता है डिस्प्ले स्क्रीन पे, फॉर एग्जांपल मॉनिटर पे, उस रिजल्ट को हम एक्चुअली आउटपुट का नाम देते हैं। और स्टैंडर्ड आउटपुट वो आउटपुट होती है जो कि रेफर करती है, मींस कि वो आउटपुट जो डिस्प्ले करवाती है आपको मॉनिटर पर, कि एक ऐसी आउटपुट जो कि मॉनिटर पर आपको डिस्प्ले हो, उससे हम स्टैंडर्ड आउटपुट का नाम देते हैं। सी लैंग्वेज दो आउटपुट फंक्शन प्रोवाइड करती है, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है प्रिंट एफ फंक्शन, इसको यूज़ किया जा सकता है आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए डिस्प्ले स्क्रीन पे, एंड पुट फंक्शन। स्टूडेंट्स, ये थी इनपुट और आउटपुट। देन मैं डिस्कस करूंगी प्रिंट एफ फंक्शन को, कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या होता है। मैंने आपसे कहा कि अगर हमने आउटपुट को डिस्प्ले करवाना होता है मॉनिटर पर, डिस्प्ले स्क्रीन पर, तो उससे हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, या तो हम पुट्स का फंक्शन यूज़ करते हैं, या हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं। तो आज जो मैं डिस्कस करूंगी वो है प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंटर फंक्शन को यूज़ किया जाता है टू डिस्प्ले आउटपुट, या फिर हम कह सकते हैं कि वो रिजल्ट जो हमें चाहिए होता है प्रोग्राम से, किसी भी टाइप का वो रिजल्ट या आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जिस फंक्शन को सी लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, वो फंक्शन है प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन डिस्प्ले करवाता है किसी भी टाइप के टेक्स्ट को, वेरिएबल को, कॉन्स्टेंट्स को, स्क्रीन पर एक स्पेशल फॉर्मेट में, और उसका फॉर्मेट ये है, मींस के वो सेंटेक्स है जिसको यूज़ किया जाता है। प्रोग्रामर ये सेंटेक्स यूज़ करता है प्रोग्राम की आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए, और वो सेंटेक्स क्या है, सबसे पहले उस फंक्शन का नाम लिखेंगे प्रिंट एफ फंक्शन। देन हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, फॉर्मेट स्ट्रिंग में होता क्या है कि इसमें फॉर्मेट स्ट्रिंग में एक्चुअली जो स्ट्रिंग आप दे रहे होते हैं, वो उसको हम लिखते हैं डबल कोटेशन मार्क्स में। किस में लिखते हैं, डबल कोटेशन मार्क्स में। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग में आपकी तीन चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ आपकी क्या आती है, टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन कि वो मैसेज जो कि डिस्प्ले करवाना होता है, और उस मैसेज को हम डबल कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। मैंने कहा फॉर्मेट स्ट्रिंग में वो डाटा होता है जिसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कि वो टेक्स्ट या वो मैसेज जिसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना होता है। दूसरी चीज़ आती है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर उस फॉर्मेट को स्पेसिफाई करता है
जिसके थ्रू या उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वैल्यू को रीड किया जाता है और वैल्यू को फिर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए आप ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, और फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करने से पहले मॉडुलस का सिंबल जो है वो लगाया जाता है। इसी तरह अगर आपने कोई करेक्टर वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है तो आप उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर ये देंगे करेक्टर। पहली चीज़ आपने क्या दी, टेक्स्ट। आपने टेक्स्ट दिया मीन्स के कोई भी मैसेज दिया, मैसेज के बाद आपने कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया। नेक्स्ट आता है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस एक्चुअली जो रिजल्ट आपने डिस्प्ले करवाना होता है उसका फॉर्मेट बताता है कि जो आउटपुट आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी होती है उस आउटपुट का फॉर्मेट जो है वो कौन बता रहा होता है, एस्केप सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखें, मैं अगर इनपुट देती हूँ, मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी फंक्शन जो है वो प्रिंट करवाना है, कोई भी डाटा प्रिंट करवाना है, मैं यहाँ पे देती हूँ, पहली स्टेटमेंट मैंने दी हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट देती हूँ प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट्स, मैंने ये दो स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी एक स्टेटमेंट एक लाइन पे आए और दूसरी स्टेटमेंट मेरी न्यू लाइन पे आए, तो उसके लिए मैं फिर एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करूँगी, और वो एस्केप सीक्वेंस बहुत सारे हैं, लेकिन न्यू लाइन के लिए जो मैं यूज़ करूँगी स्टूडेंट्स, फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगी, स्लैश एन लगा दूँगी। मीन्स के जब ये प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, जब हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट होगा तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर कंपाइलर आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन पर क्या प्रिंट करवा देगा, प्रोग्रामिंग मेक लाइफ इंटरेस्टिंग। इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे दो वर्ड्स के दरमियान कोई स्पेस देनी हो, ठीक है, और उस स्पेस के लिए मैं यूज़ करती हूँ स्लैश टी। अब अगर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ स्लैश टी, हेलो के बाद मैंने लगा दी स्लैश टी, फिर मैंने लिखा वर्ड, तो पहले हेलो लिखा जाएगा, फिर स्पेस, और फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ड। तो जिस टाइप की आउटपुट आपने डिस्प्ले करवानी होती है, वो जो आउटपुट का फॉर्मेट होता है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए आप यूज़ करते हैं एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस जो आप अपने प्रोग्राम में लगा रहे होते हैं वो आपको आउटपुट में रिजल्ट नहीं आता। मीन्स के देखिए, अब मैंने स्लैश एन यहाँ पे लगाया, आउटपुट में आपको कहीं भी स्लैश एन नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इसकी जो वर्किंग होती है उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो आपकी आउटपुट में डिस्प्ले हो जाता है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ आती है, आर्गूमेंट लिस्ट। स्टूडेंट्स, आर्गूमेंट लिस्ट में आपके कॉन्स्टेंट वैल्यू भी आ सकती हैं, वेरिएबल भी आ सकते हैं, एक्सप्रेशन भी आ सकते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं मीन्स के जिनकी वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवाया जा रहा होता है। मीन्स के कॉन्स्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन, इसको हम आर्गूमेंट के अंदर लिख सकते हैं, जिनकी वैल्यूज़ को हम क्या करवाते हैं, स्क्रीन पर प्रिंट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप आर्गूमेंट लिस्ट में कोई वैल्यू लिख दें, कोई कॉन्स्टेंट लिख दें, वेरिएबल में आप ए लिख दें, एम लिख दें, एक्स लिख दें, एक्सप्रेशन में आप ए प्लस बी लिख दें, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आर्गूमेंट लिस्ट के अंदर आती हैं, जिनकी वैल्यूज को हम स्क्रीन पर प्रिंट करवाते हैं। वैल्यू जो होगी आर्गुमेंट की इस प्रिंटेड, उसको वो प्रिंट होगी स्क्रीन पर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट स्पेसिफायर। जो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर यूज किया होगा उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू जो होगी वो प्रिंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे इस तरह लिखूं कि प्रिंट एफ, अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग अगर देती हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग दी, ठीक है, कौन सी दी, हेलो वर्ल्ड। अब मैंने यहाँ पे क्या करवाना है, सिंपल, या अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पे दिया, या सिंपल अगर मैं ये करूँ कि स्टूडेंट्स मार्क्स, अब स्टूडेंट के मैंने मार्क्स करवाने हैं, प्रिंट करवाने हैं, और मैंने मार्क्स का एक क्या करवा दिया, मार्क्स की एक स्ट्रिंग शो करवाई, और उसके साथ मैंने क्या करवाया कि मुझे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर मैं दूंगी उसी के अकॉर्डिंग जो प्रिंट होगी आउटपुट। यहाँ पे मैं देखती हूँ मार्क्स मॉडुलस डी,
मैंने यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग दी है, फॉर्मेट स्ट्रिंग में मैंने वो टेक्स्ट दिया है। मैंने आपसे कहा फॉर्मेट स्ट्रिंग तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, टेक्स्ट, फॉर्मेट स्पेसिफायर, एस्केप सीक्वेंस। मैंने टेक्स्ट दिया मार्क्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया मैंने मॉडुलस डी, और मैं एस्केप सीक्वेंस दे देती हूँ स्लैश एल। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे आगे जो चीज़ आती है वो आती है आर्गुमेंट लिस्ट। आर्गुमेंट की अगर आपने पूरी एक लिस्ट देनी होती है, मीन्स के तीन चार आर्गुमेंट्स देने हैं, फिर आप उसको सेपरेट करते हैं कॉमास के साथ। अगर आपने कोई एक आर्गुमेंट देना है, जैसे मैंने मार्क्स के लिए आर्गुमेंट दिया एक वेरिएबल एम, ये मैंने पूरा प्रिंट एफ का फंक्शन यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवा दिया है। तो ये अब यहाँ पे ये क्या होगा कि वो टेक्स्ट यहाँ पे क्या है, मार्क्स, मॉडुलस दी है फॉर्मेट स्पेसिफायर के मार्क्स एम, के एम जो वेरिएबल है उसमें जो मार्क्स होंगे वो इंटीजर होंगे और उसको डिस्प्ले करवाया जाए स्क्रीन पर। देन नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होगी उसको न्यू लाइन पर एंटर करवाया जाए। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स के फॉर्मेट स्ट्रिंग, जो आपकी आर्गुमेंट लिस्ट जो होती है वो ऑप्शनल होती है, कि ऐसा फॉर्मेट स्ट्रिंग जिसमें कोई आर्गुमेंट लिस्ट नहीं होगी तो उसमें जस्ट फिर क्या होगा, टेक्स्ट होगा। अब देखिए प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड ये आपके सामने है, इसमें जस्ट मैंने टेक्स्ट यूज़ किया, इसमें कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ नहीं हो रहा और ना ही कोई एस्केप सीक्वेंस यूज हो रहा है, जस्ट क्या है, टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। तो जस्ट प्रिंट होगा वो भी क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। इसके अंदर मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया। जब आप फॉर्मेट स्ट्रिंग को क्या करते हैं, कंप्लीट लिख लेते हैं, तब आप कॉमा लगा के आर्गुमेंट लिखते हैं। अब यहाँ पे जस्ट मैंने फॉर्मेट स्ट्रिंग दी है, मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, और आर्गुमेंट आप दें या ना दें ये ऑप्शनल होता है। और अगर आप आर्गुमेंट देते हैं विद आर्गुमेंट लिस्ट, इसमें मैंने मान एक आर्गुमेंट दिया, ठीक है, मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज किया कि योर मार्क्स आर, कि आपके मार्क्स ये हैं, ठीक है, ये है टेक्स्ट, ये मैंने दिया फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये मेरा टेक्स्ट है, मॉडुलस दी मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और ये जो एम है ये क्या है, आर्गुमेंट। क्लियर हो गई बात। और अगर मैंने लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स देने हैं तो यहाँ पे मैंने दिया योर मार्क्स आर, कि आपके मार्क्स जो होंगे वो मॉडुलस डी मीन्स के इंटीजर में डिस्प्ले होंगे, और आपका जो ग्रेड होगा, और आपको पता है ग्रेड्स जो होंगे वो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस बी। क्लियर हो गई बात। ग्रेड जो होंगे वो करेक्टर होते हैं, उसके लिए मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने क्या यूज़ किया, मॉडुलस सी। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो आप यूज़ करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी आउटपुट जो होती है वो डिस्प्ले होती है। यहाँ पे मार्क्स इंटीजर की फॉर्म में डिस्प्ले होंगे, और यहाँ पे ग्रेड जो है वो करेक्टर की फॉर्म में डिस्प्ले होगा। और ये मैंने दो आर्गुमेंट दिए, और इन आर्गुमेंट्स को मैंने कॉमा के साथ सेपरेट किया। एक आर्गुमेंट एम है, मीन्स कि एक वेरिएबल एम है जो किसके लिए है, मार्क्स के लिए, और एक वेरिएबल जी है जो ग्रेड के लिए है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें मैं आपको क्लियर कराऊंगी। हमने हेडर फाइल दी स्टूडियो डॉट एच, हमने इनपुट लेनी है कोलिंग डॉट एच, उसके अलावा हमारा ये मेन का फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। अब उसमें होगा क्या, हमने एक वेरिएबल को एन लिया, उसको इनिशियलाइज करवा दिया 10, एन की वैल्यू 10 है, और एक मैंने लिया है करैक्टर, और वो करैक्टर मैंने कौन सा लिया, स्टेरिक। स्टूडेंट्स जब आप करैक्टर को इनिशियलाइज करवाते हैं और डिक्लेयर करते हैं तो उसकी डेटा टाइप होती है सी एच ए आर, करैक्टर। और आप जिस जो करैक्टर ले रहे होते हैं, मीन्स टू से कि जो करैक्टर आप इनिशियलाइज करवाते हैं उसको आप सिंगल कोट में लिखते हैं। तो यहाँ मैंने सिंगल कोट में लिख दिया एस्टेरिक। अब प्रिंट एफ का मैंने फंक्शन लगाया, मैंने जस्ट यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट स्ट्रिंग दी है, मैंने कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं किया, कोई एस्केप सीक्वेंस यूज नहीं किया। मैंने स्ट्रिंग में क्या लिखा, टेस्टिंग आउटपुट। तो कंपाइलर ने इसे कंपाइल किया और इसको प्रिंट कर दिया, टेस्टिंग आउटपुट। जब मैंने यहाँ पे कोई एस्केप सीक्वेंस नहीं लगाया, कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लगाया, कंपाइलर जब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा उसने देखा कि n की वैल्यू क्या है, 10 है, उसको क्या कर दो, प्रिंट। अगर मैं यहाँ पे स्लैश n लगाती तो 10 मेरा नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होता। मैंने यहाँ पे स्लैश n मीन्स कि न्यू लाइन का एस्केप सीक्वेंस यूज़ नहीं किया, तो टेस्टिंग आउटपुट के साथ ही मेरा 10 प्रिंट हो गया। इसके अलावा कंपाइलर पे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा, जब कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आया उसने देखा कि सी एच क्या है, एक करैक्टर मीन्स एक वेरिएबल है, और उसकी उसका स्पेसिफायर क्या है, मॉडुलस सी। अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफायर भी यूज़ किया, यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट भी यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे जो मैंने है वो टेक्स्ट नहीं लिखा,
स्पेसिफायर मैंने यूज किया मॉडुलस दी, और मैंने वेरिएबल मीन्स कि मैंने आर्गुमेंट दिया एक, और वो आर्गुमेंट है एन। यहाँ पे मैंने स्पेसिफायर यूज किया मॉडुलस सी कि जो वैल्यू डिस्प्ले करवानी है वो किस फॉर्मेट में करवानी है, वो करेक्टर की फॉर्मेट में करवानी है। ये इंटीजर का फॉर्मेट है और ये करेक्टर का फॉर्मेट है, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल दिया मीन्स के एक आर्गुमेंट दिया सी एच के नाम से, तो वो उसे क्या कर देगा, एस्टेरिक उसने क्या कर दी, प्रिंट कर दी। ये था आपका प्रोग्राम, क्लियर हो गया। इसी तरह बच्चे हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट जो है ना वो प्रिंट है फंक्शन में फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करके अपने आउटपुट को डिस्प्ले करवाते हैं। नेक्स्ट जो टू प्रोग्राम है वो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने खुद सॉल्व करनी है। थैंक यू सो मच।